नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से राजस्थान में लगातार भर्ती परीक्षाएं लीक हो रहे हैं, पेपर लगातार भर्तियों को रद्द किया जा रहा है, तो उसको लेकर जो अब आगे थर्ड ग्रेड की भर्ती होने वाली है उसको लेकर जो बोर्ड हैं उन्होंने क्या किया है, किस प्रकार की सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। क्या उससे आपको कमेंट करके बताना है, क्या इन प्रयासों से या जो भी ये करने वाले हैं क्या उनसे पेपर लीक रुक सकते हैं, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर वैकेंसी से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको इस चैनल पर सही और सटीकता के साथ प्रदर्शित की जाती है और आगे भी हम करते रहेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चयन बोर्ड ने सीटी में 7 लाख अभ्यर्थियों के लिए बनाए थे 10 जिलों में केंद्र। यानी इस बार जहाँ भी संशय लग रहा था वहाँ पर सीईटी की परीक्षा जो हुई थी उनमें सेंटर ही नहीं दिए गए। यानी 23 जिलों में तो सेंटर ही नहीं आए, केवल मात्र 10 जिलों में ही सेंटर दिए गए थे। अब जो थर्ड ग्रेड भर्ती होगी उसमें स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो इस वजह से 12 जिलों में ये परीक्षा कराई जाएगी। यानी एक बार फिर से आपके सेंटर दूर दूर आएंगे, यानी लगभग 300 400 400 किलोमीटर के एरिया में आपको सेंटर मिलने वाले हैं, उससे नज़दीक नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर हर जिला मुख्यालय पर भर्ती होती है जिस प्रकार आरपीएससी ने आयोजित करवाई थी, तो लगभग सभी को होम डिस्ट्रिक्ट मिला था, लेकिन थर्ड ग्रेड के अंदर अब होम डिस्ट्रिक्ट यानी बहुत कम चांस है कि होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिले। तो क्या जो ये जांच लिखी है, ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती में संभाग सहित चुनिंदा 12 जिलों में होगी परीक्षा, सेंटर पर त्रिस्तरीय जाँच। तो यानी इसके अंदर ऐसे भी जिले सेंटर में शामिल नहीं किए जाएंगे जो अच्छे रूप से आपकी परीक्षाएं करवा रहे हैं। तो क्या सेंटर पर त्रिस्तरीय जांच, देखिए ठीक बात है, होनी चाहिए, तो केवल मात्र क्या सेंटर पर आप जांच करवाकर पेपर जो जहां से लीक हो रहे हैं उन चीज़ों से बचा सकते हैं क्या? तो देखिए, इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा कि सेंटर पर जांच होगी, स्टूडेंट्स की वहां पर जांच होगी। पेपर तो लीक पहले से ही हो रहे हैं, पेपर तो बाहर से ही लीक हो रहे हैं, सपने से पहले ही लीक हो रहे हैं, उनका कुछ करना पड़ेगा। यानी जो कर्मचारी, जो बोर्ड के कर्मचारी हैं जो पेपर लीक करवा रहे हैं, जो मंत्री हैं, जो भी पेपर इस लीक में शामिल हो रहे हैं, जो कोचिंग वाले शामिल हो रहे हैं, तो उन तक पकड़ना ज़रूरी है। सेंटर पर स्टूडेंट क्या करेंगे, सेंटर पर तो वैसे ही कोई चीज़ नहीं ले जाता, वैसे ही उनको भय होता है, लेकिन जो लीक बाहर से हो रही है उन चीज़ों को रोकेंगे तभी पेपर लीक रोकने की जो कवायद आप शुरू कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो पाएगी। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान न देकर सेंटर से पहले और कड़े कानून बनाए जाएं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे विद्यार्थी जो पेपर ले रहा है और जो पेपर बेच रहा है, उनके खिलाफ अगर आप कठोर कदम उठाएंगे तो निश्चित तौर पर ये पेपर लीक की जो घटनाएं हैं वो रुक सकती हैं। चाहे स्टूडेंट हो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए जो पेपर लीक करवा रहे हैं। देखिए, अब सरकार थोड़ा एक्टिव भी हुई है, जो संपत्ति वगैरह हैं उन पर रो बेचने पर पाबंदियां लगा रही हैं, और जो बिल्डिंग है वगैरह हैं उनके वो भी गिरवा रही हैं। तो यानी इस प्रकार के अगर कठोर कानून लाए जाएं, इस प्रकार के कड़े कदम उठाए जाएं, और स्टूडेंट्स के अगेंस्ट भी, अगर देखिए स्टूडेंट्स कोई पेपर ले रहा है उसे तो 1 साल आप जेल में डाल दोगे, तो वो तो दोबारा हिम्मत ही नहीं करेगा, उसके आसपास वाले भी नहीं करेंगे, तो जो खरीदने वाले ही नहीं रहेंगे तो बेचने वाले क्या करेंगे। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें अगर की जाए राजस्थान के अंदर तो निश्चित तौर पर ये जो पेपर लीक की घटनाएं बढ़ रही हैं वो कम हो सकती हैं, और विद्यार्थियों का जो विश्वास खो चुका है भर्ती तैयारी करने का वो वापस जाग सकता है। क्योंकि पिछले दिनों में कितने सिलेक्शन हुए हैं जो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि भर्तियाँ नहीं हुई, लगातार रद्द हो रही हैं, तो इन चीज़ों पर तभी रोक लग सकती है जब कठोर से कठोर कानून बनाए जाएं। और उम्मीद ऐसी है कि जल्द से जल्द जो हम मांग कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द मांग हमारी पूरी होगी। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा बनती है और आगे भी बनती रहेगी। धन्यवाद।